अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोटर रिव्यूज़ यूट्यूब चैनल। तो आज आपके लिए जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं वो है होंडा इनसाइट। 2019 मॉडल है, 20 की इंपोर्ट है और बहुत ही रेयर कार है, स्पेशली इन पाकिस्तान। अभी आना शुरू हुई है तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बहुत कम होंगी, 10-15 होंगी। सो अब इसके फीचर्स चेक करते हैं, स्पेक्स चेक करते हैं, गाड़ी किस तरह की है, लेनी चाहिए, ड्यूरेबल है या नहीं, रोड प्रेजेंस क्या है, मेंटेनेंस क्या है, प्राइस क्या है। सो लेट्स स्टार्ट द रिव्यू, बन गई दिखाएँ। अस्सलामुअलैकुम, तो आज जिस गाड़ी का हम रिव्यू करने जा रहे हैं ये है होंडा इनसाइट। इसमें कॉमनली तीन पैकेज होते हैं, एल पैकेज, ईएक्स पैकेज और ईएक्स में भी एक ब्लैक पैकेज होता है, उसमें सीट्स की सीट्स आती हैं। 19 मॉडल है, 20 की फ्रेश इंपोर्ट है, ऑक्शन शीट 5A ग्रेड की है, बहुत अच्छा ग्रेड है। और गाड़ी के आप लुक देख लें, पाकिस्तान है, वेरी फ्यू हैं। जहाँ तक प्राइस ब्रैकेट की बात कर लें तो आपको 8 मिलियन के अराउंड मिलती है, थोड़ा अप एंड डाउन करके, मतलब 80 लाख रुपए इसकी प्राइस है। गाड़ी आप देख लें, गाड़ी बहुत ही खूबसूरत है। अब इसका डिटेल रिव्यू स्टार्ट करते हैं, बाहर से देखते हैं, अंदर से देखते हैं, आपको गाड़ी पूरी दिखाते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है, होंडा एकॉर्ड और होंडा सिविक का कम्बिनेशन कह लें, फ्रंट से तो ऐसे ही है लेकिन बैक इसकी बहुत खूबसूरत है। सो ईएक्स पैकेज है। सो फ्रंट पे आपको प्रोजेक्शन लाइट्स मिलती हैं विद DRL, क्रोम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, लाइट्स में भी क्रोम की लाइनिंग आप देख रहे हैं। फ्रंट लाइट बहुत ही खूबसूरत है, ग्रिल क्रोम और ब्लैक कम्बिनेशन की ग्रिल है और ग्रिल बहुत ही खूबसूरत है, एंड सेम एट दी राइट साइड। गाड़ी की आप फ्रंट लुक देख लें, फ्रंट लुक इस गाड़ी की बहुत ही ज़्यादा आला लुक है फ्रंट में। ये आपको myca.bk पे अवेलेबल है, मेन DHM इनका शोरूम है, फ्लाई ओवर के बिल्कुल साथ। गाड़ी बहुत ही खूबसूरत लुक में, फोग लैम्प्स की जहाँ तक बात कर लें तो फोग लैम्प्स वो गोल फॉर्म में नहीं है, LED लाइट्स की फॉर्म में फोग लैम्प्स आपको मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं गाड़ी को। और गाड़ी की लुक तो आप देख रहे हैं, 17 इंचज़ का बहुत ही आला एरोडायनामिकली एफिशिएंट और बहुत ही खूबसूरत अलॉय रिम मौजूद है। अलॉय रिम के आप लुक देख लें। दिस कार कम विद हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, 1500 cc हाइब्रिड इंजन है इसमें। साइड प्रोफाइल गाड़ी की आपको मैं दिखा देता हूँ, साइड प्रोफाइल भी गाड़ी की अच्छी है, क्रोम गार्निशिंग जारी है एयर प्रेस में, ये साइड पे देखें। और ये आपको क्रोम की लाइनिंग मिलती है, लाइट्स के अंदर आपको टर्न सिग्नल भी अवेलेबल है, वो भी LED है, हैलोजन नहीं है। ये गाड़ी के लुक चेक कर लें, गाड़ी के कट्स देख लें, एरोडायनामिकली भी गाड़ी काफ़ी एफिशिएंट है। और देख लें गाड़ी कितनी साफ़ है, 5A ग्रेड की गाड़ी है, तो एक बहुत ही साफ़ सुथरी गाड़ी समझी जाती है, 5 ग्रेड से अबव हो या 5 ग्रेड हो। सो रेयर की बात कर लें तो रेयर लाइट्स आपको सिक्वेंशियल टेल फॉर्म में मिलती हैं, जो कि Audi A3 से भी मिलती है, BMW X1 से भी मिलती हैं, और मतलब जिन गाड़ियों में टेल लाइट्स आती हैं सिक्वेंशियल, लावा लाइट्स भी कहते हैं इनको। इंडिकेटर लाइट बहुत ही खूबसूरत लुक में, और ये देख लें रिवर्स लाइट, होंडा इनसाइट हाइब्रिड। ये एक स्पॉइलर आपको कंपनी से ही मिलता है, होंडा जापान से। रिफ्लेक्टर्स मौजूद हैं और नीचे आपको क्रोम फर्निश मिलती है, रेयर बम्पर, पार्किंग सेंसर और रेयर कैमरा। गाड़ी की लुक देख लें आप रेयर से तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा गाड़ी कितनी खूबसूरत है। और भी पाकिस्तान में वेरी फ्यू कार्स हैं, मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में 10-15 होंगी, शायद मेरा अंदाज़ा गलत भी हो। ये देखें रेयर लुक बड़े खूबसूरत है। सो व्यूअर्स, हियर इज़ द की, चाबी देख लें, की लॉक अनलॉक, ट्रंक ओपनर, ये देखें बहुत ही खूबसूरत स्टाइल की इसकी लाइट्स हैं। सो व्यूअर्स, हम इस गाड़ी का ट्रंक खोलते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस की।
ट्रंक कैपेसिटी आप गाड़ी की देख लें, ट्रंक कैपेसिटी भी अच्छी है, हाई माउंटेड ब्रेक लैंप भी LED फॉर्म में, तो बिल्कुल एक एडवांस शेप, एडवांस बॉडी, हर चीज़ में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है, कोई वो पुराने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। देखें बिल्कुल सॉफ्ट क्लोजिंग है, ये देखें। सो इलेक्ट्रिक सीट्स मिलती हैं आपको इसमें, टू वे इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, वो भी आपको दिखाता हूँ। गाड़ी की रूम तो बहुत बड़ा है। सो व्यूअर्स, एज वी एंटर इन द कार, चाबी मेरे पास है, तो ये देखें, ये हम बैठ गए हैं गाड़ी में। सो व्यूअर्स, डोर पैनल पर आपको पावर विंडोज़ मिलती हैं ऑटो डोर अनलॉक के साथ, रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिलते हैं, मिरर लॉक के साथ मिलता है, सेंट्रल लॉकिंग भी इस गाड़ी में मौजूद है, सारे इसके जो मिरर हैं वो ऑटोमेटिक हैं, पीछे आपको ट्रंक रिलीज का बटन भी मिलता है। और अब आपको अंदर इंटीरियर में लेके चलते हैं और दिखाते हैं गाड़ी में कौन कौन से फीचर्स हैं। सो व्यूअर्स, ये इसमें ट्रिप मीटर है, पुश स्टार्ट, यहाँ पर आपको गाड़ी के पार्किंग सेंसर, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए, बाकी आपको दिखाता हूँ इधर। गाड़ी में बेतहाशा फीचर है और एक फ़ीचर तो ऐसा है कि आप बहुत इंप्रेस होंगे गाड़ी को देख के। सो व्यूअर्स, ये इस गाड़ी का स्टेयरिंग है, 3 आर्म मल्टी फंक्शनल पावर स्टेयरिंग विद पैडल शिफ्टर भी मौजूद हैं। स्टेयरिंग की सेटिंग देख लें, वॉल्यूम, फाइल्स वगैरह, वॉइस एक्टिवेशन कमांड, कॉल एक्सेप्ट और डिक्लाइन करने के लिए, लेन असिस्ट भी है। उसके अलावा आपको गाड़ी पूरी बताती है कि आपकी गाड़ी सही लाइन में चल रही है या नहीं चल रही। ये देखें, एयरबैग इस गाड़ी में 6 मौजूद हैं, 2 नी पे, 2 डैशबोर्ड में और 2 साइड में, कर्टन एयरबैग्स। ये देखें, अब आपको गाड़ी का LED वगैरह दिखाते हैं। सो ये देखें जी, गाड़ी का मीटर बहुत ही खूबसूरत मीटर है, शो कर रहा है टॉप स्पीड 180 है, फ्यूल गेज, टेम्परेचर गेज। उसके साथ साथ ये गाड़ी 7642 किलोमीटर चल चुकी है, सीट बेल्ट का इंडिकेशन दे रहा है। इधर आप आ जाएं तो आपको टच स्क्रीन मिलती है जिसमें ऑक्स, USB कनेक्टिविटी, नेविगेशन सब कुछ है। क्लाइमेट कंट्रोल की बात कर लें तो देख लें क्लाइमेट कंट्रोल हमारे पास। और इधर आपको 3 चीज़ें मिलती हैं, एक USB डॉक, एक सिगरेट लाइटर का डॉक भी कह सकते हैं, चार्जिंग डॉक भी कह सकते हैं, और इधर भी आपको चार्जिंग डॉक मिलता है। इधर की बात कर लें तो ये चीज़ जिस गाड़ी की जो मुझे इंप्रेसिव लगी है, किसी गाड़ी में मैंने आज तक नहीं देखा, मैंने बहुत पाकिस्तान के टॉप क्लास की गाड़ियों के रिव्यू किए हैं। ये देखें, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल और डी, गियर शिफ्टिंग कोई नहीं है, बटन की मदद से आप कर सकते हैं। और इधर देखें, पार्किंग पे इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है, इकोनॉमी बटन, स्पोर्ट मोड और ये EV मोड। ये देखें, ये मैंने अभी स्पोर्ट मोड को दबाया तो ये गाड़ी का मीटर रेड हो गया, अब मैं इसको इकोनॉमी पे कर दूंगा तो ये ग्रीन हो जाएगा। बाकी ये देखें इस गाड़ी का फीचर, ग्लास होल्डर, इधर आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है, लेदर सीट्स हैं इस गाड़ी में, ये देख लें फुली लेदर सीट्स हैं। जो इसमें फुल पैकेज होता है उसमें सीट्स की सीट्स आती हैं, कंपार्टमेंट है। इसके अलावा ये देखें पावर विंडोज, उधर का डोर भी ऑटो डोर अनलॉक के साथ है, वैनिटी मिरर मौजूद है, इधर लाइट्स, ये देखें रीडिंग लाइट्स मौजूद है डोर के लाइट्स के लिए, और ये ग्लासेस होल्डर, और इधर भी आपको वैनिटी मिरर मिलता है। इधर आपको ये बटन आप देख रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये इस चीज़ को शो कराने के लिए कि अगर रिवर्स कैमरा यहाँ चल रहा है तो ऊपर भी शो होगा। फ्रंट की दोनों सीटें हीटेड हैं, डुअल जोन AC है, तो फ्रंट की सिर्फ 2 सीटें आपको हीटेड मिलती हैं, पीछे की हीटेड सीट्स नहीं हैं। ये देखें, यहाँ से आप मोबाइल वगैरह भी चार्ज कर सकते हैं अपना। ये देखें मेन्यू,
ये आपको सब कुछ जापानी जबान में मिलता है। गाड़ी का इंटीरियर तो खूबसूरत है यार। सो व्यूअर्स एज वी मूव टुवर्ड रियर, रियर पर भी आपको पावर विंडो स्टैंडर्ड मिलती है। और ये देखें हमारे पास बहुत ही अच्छा लेग रूम मौजूद है, डुअल जोन एसी। पीछे का बेड फ्लैट नहीं है तो इसका मतलब गाड़ी चार लोगों के लिए बनी है, पांच नहीं। रियर लाइट्स, पीछे भी दो कर्टन एयर बैग्स मौजूद है, देख लें। तो गाड़ी का लुक तो काफ़ी खूबसूरत है यार। आर्मरेस्ट की बात कर लें तो आर्मरेस्ट में दो ग्लास होल्डर मिलते हैं आपको। व्यूअर्स ये था हमारा आज का होंडा इनसाइट 2019 का रिव्यू। एक अच्छी गाड़ी है, अच्छे फीचर वाइज गाड़ी है, और अगर आप मैं इसे जापानी मर्सिडीज़ कहूँ तो ये लफ्ज़ भी कम ही होगा इसके लिए। गाड़ी में बेतहाशा फीचर है। कंडीशन की बात कर लें तो कंडीशन आपके सामने 5A ग्रेड की ऑप्शन शीट है, तो मेरा ख्याल है कंडीशन का मुझे वर्डिक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात कर लें प्राइस की, तो 8 मिलियन का बजट में आपको इतनी अच्छी गाड़ी मिल रही है। मेंटेनेंस वाइज ज़्यादा कॉस्टली नहीं है लेकिन कॉस्टली है। और अगर हम बात कर लें फ्यूल एवरेज की, तो 20 से 22 शहर में देती है। हाईवे पे भी इसके ओनर ने एक्सपीरियंस नहीं किया इस गाड़ी को, तो शहर की मैं आपको अंदाज़ा बता रहा हूँ। अब जहाँ तक बात कर लें इसकी हॉर्स पावर की, तो 174 हॉर्स पावर क्रिएट करती है एट द टॉर्क ऑफ 210 न्यूटन पर मीटर। अब हम इसकी बात करते हैं पार्ट्स की अवेलेबिलिटी की। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी फ़िलहाल तो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान में 10-15 गाड़ियाँ हैं, ये ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं है ये होंडा इनसाइट, क्योंकि अभी कमिंग आइटम है, 2019 मॉडल है, तो देख लें 20 में इंपोर्ट होगी, 21 में होगी, 22 में होगी, 23 में होगी। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट होंडा इनसाइट। आई होप यू लाइक अवर वीडियो। इफ़ यू लाइक अवर वीडियो क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल मोटर रिव्यूज़, एंड प्लीज़ क्लिक ऑन बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फर्स्ट। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर फॉलो कर सकते हैं, हमारे पेज का नाम है मोटर रिव्यूज़। आइंदा मजीद आपके लिए अच्छी गाड़ियों के बाइक्स के रिव्यूज़ भी लेके आते रहेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।